मित्रों, आइए आज आपको शंख माधव से मिलाते हैं। शंख माधव हमारे प्रयागराज के द्वादश माधव में से प्रथम माधव हैं और आपका स्थान प्रयागराज के झूसी क्षेत्र में, जिसको प्रतिष्ठानपुरी भी बोला जाता है। वहाँ पर शतनाग एक जगह है। शतनाग का पुराना नाम है शेषनाग, जहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या किया करते रहे हैं। तो शतनाग क्षेत्र में गंगा जी के किनारे सदाफल आश्रम बना हुआ है। आश्रम के अंदर ही आपका स्थान है। सदाफल आश्रम गंगा तट आने से ठीक पहले ही बाएं हाथ पड़ेगा और बहुत आसानी से इसको अप्रोच किया जा सकता है। और उसके बावजूद भी यदि कोई दिक्कत होती है, ये गूगल मैप आपके सहयोगार्थ हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए आगे की वार्ता करते हैं आपसे। छतनाग घाट आने से पहले एक आश्रम है, जिसे मुंशी की बगिया का नाम दिया गया है, और इसी आश्रम के अंदर ही शंख माधव का मंदिर है। तो आइए शंख माधव से आपको मिलाते हैं। ओम माधवाय नमः। सदा फल विहंगम योग आश्रम का यह मुख्य द्वार है। इसी द्वार से आपको प्रवेश करना है और अंदर 200 मीटर जाने पर शंख माधव मिलेंगे। शंख माधव मंदिर, यह मंदिर सदाफल आश्रम के अंदर अब हो गया है। पहले ये मुंशी की बगिया के नाम से जगह थी, उसके अंदर यह हुआ करता रहा है। और वहाँ पे एक वट वृक्ष है मुंशी की बगिया के नाम पे। उस वट वृक्ष के अनेकों शाखाएं हैं, उन्हीं शाखाओं के बीच में शंख माधव का प्रथम देवस्थान स्थापित है। तो इस तरह से ये सदाफल आश्रम के अंदर आज के डेट में आपको देखने को मिलेगा। जो छतनाग जगह है, उस जगह से आप गंगा जी आने के तट के पहले सदाफल आश्रम है, उस आश्रम के में मुख्य द्वार से आप अंदर प्रवेश करिए और अंदर से प्रवेश करने के बाद 200 मीटर अंदर जाने के बाद शंख माधव का अति प्राचीन मंदिर आपको मिलेगा। तो चलिए आपको शंख माधव जी से मिलाते भी हैं और दिखाते भी हैं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम्। माधव जो परमानंद स्वरूप हैं, जिनकी कृपा से मूक बोलने लगता है और पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा पर्वत को पार करता है, ऐसे प्रभु की वंदना हम सभी आइए करते हैं। और इस समय शंख माधव मंदिर आप देख पा रहे हैं। ये शंख माधव जी का मुख्य मंदिर है और मंदिर के प्रदक्षिणा पथ के पीछे अति पुराना वट वृक्ष है। बोलिए शंख माधव जी की जय। भगवान का विग्रह मनमोहनी है और प्रलय में पूरे प्रयागवासी को अपने शंख में धारण करके उनके जीवन रक्षण का वचन भगवान शंख माधव जी देते हैं। इस प्रकार हम लोगों के जीवन में भी यदि प्रलय आता है तो भगवान के शरण होइए, वो प्रलय भगवान शंख माधव आपकी दूर करेंगे, वो दुविधा दूर करेंगे। अर्थात दुविधा को हमारे प्रलय रूपी इस संसार सागर से पार कराने के लिए हमें शंख माधव का शरण ही लेना होगा। तो प्रयागवासियों के लिए सबसे सुंदर ये जगह प्रथम माधव पीठ शंख माधव है और यह जगह हमारे प्रयाग शताध्याय में बताया जाता है। अथान्य माधवम वक्षे इंद्रस्योपवनांतिके क्षेत्रस्य पूर्वार्ध भागे वर्तते शंख माधव। अर्थात
माधव के वक्ष स्थल पर इंद्र के पावन बगिया में उसके पूर्व भाग में भगवान शंख माधव विराजमान हैं। तो ओम माधवाय नमः। माधव जी के बारे में यहाँ के पुजारी जी हैं, ये उसके महात्म्य के बारे में थोड़ा हमें बताएंगे, तो बताइए महाराज जी। द्वादश माधव हैं प्रयाग में। अच्छा जी, ये जो है जब ब्रह्मा जी यज्ञ किए थे प्रयाग में दशाश्वमेध घाट पर, तो वहाँ राक्षस लोग विघ्न डाल रहे थे, तो वही भगवान से नारायण से प्रार्थना किए तो वो 12 रूप में होकर के उनका यज्ञ संपन्न कराए। अच्छा, तो जब वो जाने लगे यज्ञ संपन्न करा के, तो ब्रह्मा जी बोले कि नहीं आप यहाँ रहिए अब, तो वही ये 12 स्थान में से एक माधव ये है, ये प्रथम माधव शंख माधव। हाँ, प्रथम माधव शंख माधव। हमारे शंख माधव जी सकल काम साधो, हे मेरे माधव, आपके सब काम को पूर्ण करने वाले हैं। और जैसा कि आपने अभी शंख माधव के इस आख्यान में या इस ब्लॉग में आपने देखा, इस तरह से पूरा का पूरा प्रयाग क्षेत्र माधव क्षेत्र है। 12 के 12 माधव प्रयाग के संरक्षण किया करते हैं। और शंख माधव जब प्रलय आता है तो शंख के रूप में पूरे प्रयाग को उठा लेते हैं अपने शंख से, और प्रयाग के सभी भक्तों का प्रलय के दौरान उद्धार करते हैं और उनका रक्षण करते हैं। तो इस तरह से 12 माधव में से शंख माधव का स्थान इसलिए हम प्रथम देते हैं क्योंकि जब प्रलय आता है तो शंख माधव ही इसमें काम करते हैं। तो प्रलय के देवता हैं हमारे शंख माधव। जब कभी भी आपके जीवन में भी प्रलय आए तो हमारे शंख माधव जी के समीप आइए, इनका पूजन यजन भजन कीर्तन करिए। ये यथाशीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं और आपको मनवांछित फल प्रदान करने वाले देवता हैं। तो ये ब्लॉग हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं और ये पूरे के पूरे ब्लॉग का ये अंतिम ब्लॉग है, जबकि ये प्रथम माधव है हमारे, लेकिन ये अंतिम ब्लॉग के रूप में हम इसे दे रहे हैं क्योंकि शंख माधव की खोज करने में थोड़ा विलम्ब हो गया, इस वजह से हम शंख माधव को पूरी तरह से आपके बीच में सबसे अंत में दे पा रहे हैं। तो बोलिए भगवान शंख माधव की जय। ओम माधवाय नमः। हमारे सभी तीर्थ विलुप्त न हो जाएं, इसकी जिम्मेदारी हम सभी की भी है। और करना क्या है कि जो हमारे प्राचीनतम मंदिर है, हमारे जो प्राचीनतम तीर्थ है, हमारे जो प्राचीनतम देवताओं के स्थान है रहने के, उन स्थानों पे कम से कम समय निकाल कर स्वयं परिवार सहित और अपने बच्चों को भी ले आएं, ताकि उस स्थान पर आने पर आपके दर्शन से, आपके पूजन से उस स्थान की महत्ता बढ़ेगी, चार लोग जानेंगे और आप भी लोगों को बता पाएंगे। शंख माधव की खोज हमें बहुत करनी पड़ी और हम चाहते थे कि शंख माधव हमारे प्रथम माधव हैं और सबसे पहला ब्लॉग इन्हीं का दिया जाए, और भगवान की मर्जी ऐसी देखिए कि सबसे अंतिम ब्लॉग ये शंख माधव जी का हम दे पा रहे हैं। लेकिन चलिए, हमारा ये ब्लॉग यहाँ पूर्ण हो रहा है धीरे धीरे, और ये सदाफल आश्रम में है तो आश्रम की गतिविधि भी आपको हम दिखाते हैं। Shubhra Bhavi Tanjaya Sare Lagu Shubhra Bhavi.
अभी आपने जो स्थल देखा वो सदाफल आश्रम का अंतःपुर है, अर्थात अंडरग्राउंड तपस्थली। यहाँ पर संध्या आरती का समय हो रहा है और इस संध्या आरती में हम सभी वहाँ सम्मिलित रहे, और जैसा कि भजन आपने सुना भी, इसके बाद प्रथम तल पे, द्वितीय तल पे और तृतीय तल पे हमारे गुरुदेव सदाफल, जिनका नाम है सदाफल जी, का दर्शन आप ये तीन फ्लोर में जो बना हुआ ये प्रांगण है इसको आप अभी हम दिखा रहे हैं एक एक करके, और तीनों फ्लोर पर सदाफल जी गुरुदेव जो हैं इस आश्रम के, वो उनकी विग्रह यहाँ लगाई गई है, आप उनके विग्रह को देखिए। और इस आश्रम में रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था भी है, प्रसाद भोजन भी मिलेगा आपको, तो ये आश्रम में आप रुक कर और शंख माधव का दर्शन भी आप कर सकते हैं। शंख माधव द्वादश माधव में से प्रथम माधव हैं, यदि उचित समझें तो सबसे पहले शंख माधव जी का ही दर्शन करें। इस तरह से हमारे प्रयाग शताध्यायी में है, और शंख माधव भगवान के एक हाथ का यह आसन है शंख माधव। शंख माधव एक हाथ में भगवान ने पकड़ रखा है शंख को, और जब शंख ने अपना अवतार ग्रहण किया तो शंख माधव के रूप में यहाँ पर स्थापित हो गए। पूरा का पूरा प्रयाग क्षेत्र द्वादश माधव क्षेत्र है, और यहाँ के प्रथम पुरुष महर्षि भरद्वाज जी, और यहाँ के रक्षक 12 माधव और प्रधान माधव वेणी माधव। गंगा यमुना सरस्वती का ये तट जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ से सूर्यास्त का दृश्य अति मनोहर दिखता है। जीवन भी हमारा ऐसा ही है, सूर्यास्त होता है और फिर नए शरीर से सूर्योदय होता है। तो इस तरह से हमारा ये द्वादश माधव का ये सीरीज यहीं पूर्ण होता है, और एक समरी एपिसोड इसके बाद हम और देंगे। ओम माधवाय नमः।